मध्य प्रदेश में निवेश। जी हां, राज्य में उद्योग धंधों और रोजगार के साधन बढ़ाने की कोशिशों में लगी कमलनाथ सरकार की मैग्निफिसेंट समिट पर सबकी निगाहें हैं और जैसा बताया जा रहा है करार की जगह सरकार का जोर सीधे निवेश पर है। मैग्निफिसेंट एमपी से ठीक पहले सरकार ने अपने 10 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है जो बताता है सूबे में 31,000 करोड़ का निवेश तय है जिसके जरिए करीब 1,00,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। नई कंपनियों के साथ ही प्रदेश में पहले से ही काम कर रही कंपनियों ने भी नई इकाइयों पर काम करना शुरू कर दिया है जिसमें मंडीदीप की एचईजी ने 1200 करोड़ और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने 500 करोड़ का नया निवेश कर अपनी कंपनियों को विस्तार दिया है। इसके अलावा जो कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश करने जा रही हैं उनमें इंडिया सीमेंट 1200 करोड़, रॉल्सन टायर 1750 करोड़, श्रीराम पिस्टन 1000 करोड़, मैपेक्स फार्मा 470 करोड़, वंडर सीमेंट 450 करोड़, सदगुरु सीमेंट 450 करोड़, जयदीप इस्पात 350 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में करेंगी। आज पीथमपुर औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि मंडल और सीआईआई के कुछ लोग जो आए हुए हैं उनसे बात करेंगे। सीआईआई का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हो रही है वो भी एक सुखद आश्चर्य है कि वो भी इसी समय आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए भी बहुत सारे उद्योगपति पूरे देश भर से यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा विदेशी निवेश के 4000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव सरकार के पास आए हैं। मैग्निफिसेंट समिट में आदि गोदरेज, कुमार मंगलम बिड़ला और विक्रम किर्लोस्कर जैसे बड़े उद्योगपति शामिल होने जा रहे हैं। उम्मीद है कि एमपी में और बड़ा निवेश आ सकता है। कुल जमा पुरानी सरकार के तजुर्बों को भुला दिया जाए तो कमलनाथ सरकार की कोशिशों से यही लगता है कि एमपी को मैग्निफिसेंट बनाने के उनके प्रयास जरूर रंग लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। मध्य प्रदेश में निवेश। जी हां, इस वक्त सरकार का पूरा फोकस राज्य में उद्योग धंधों के विस्तार पर है जिसके लिए निवेश लाने सरकार जतन कर रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मैग्निफिसेंट एमपी समिट का आयोजन किया है। इस समिट में देश के बड़े उद्योगपति शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले ही राज्य में 31,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आने का दावा सरकार कर रही है। सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन पुराने तजुर्बे भी नहीं भूलना चाहिए। यही है हमारा आज का विशेष मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, बीजेपी से हैं उमेश तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत, और योगेश यादव जी हैं कांग्रेस नेता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत। और इंदौर से हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान जी, सबसे पहले आपसे चर्चा का आगाज करना चाहूंगा। आप इंदौर में हैं, क्या लग रहा है मैग्निफिसेंट एमपी को लेकर जो ताना बाना बुना गया है, जिस तरह की सरकार ने प्रयास किए हैं, जिस तरह की रियायतें उद्योगपतियों को देने का वादा किया है, क्या लगता है आपको कि क्या वहां माहौल है और जो निवेश लाने की बात कर रही है सरकार, तो क्या उस जो पहल जो की है या जिस जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कितनी कामयाब होती दिखाई दे रही है? तब तक हम चर्चा करते हैं उमेश तिवारी जी से, बीजेपी नेता हैं। उमेश जी, जो पूर्व सरकार रही है 15 साल बीजेपी की, उसमें भी कई इन्वेस्टर्स मीट हुई, इन्वेस्टर्स समिट हुई और लाखों करोड़ों के निवेश लाने की बात की गई, लेकिन धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं वो जो प्रयास कर रहे हैं और जैसा बताया भी जा रहा है कि 10 महीने में सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसी का नतीजा है कि 31,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश जो है मध्य प्रदेश में आ चुका है। बाकी जो मैग्निफिसेंट समिट के बाद जो उद्योगपतियों से बात की जाएगी, जिस तरह का माहौल उद्योग धंधों के विस्तार के लिए मध्य प्रदेश में लगाया गया है, तो उससे काफ़ी उम्मीदें भी दिख रही हैं और लग भी रहा है कि निवेश आएगा। क्या कहेंगे आप? निवेश आए प्रदेश में तो अच्छा बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी अभी एक पैसे का निवेश आया नहीं है। अभी तो कल बैठक होगा, बैठक जो है उद्योगपतियों के बीच में बातचीत होगी, उद्योगपति
क्या कहते हैं प्रदेश को, चूंकि कांग्रेस वचन देके जनता के बीच में आई थी। आप देखो कि युवाओं के रोजगार की बात की थी कि जब तक हम रोजगार उपलब्ध नहीं कराते तब तक आपको दैनिक भत्ता के रूप में हम लगभग 4,000 रुपए महीना देंगे, लेकिन 10 माह केवल पोस्टिंग और ट्रांसफर में बीत गया। अब जाके कमलनाथ जी जो है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के जगह है और अब जो है वो बीच में जो है प्रमुख सचिव सीएस उनको भी भेजे थे कि जाके आप जो है आमंत्रित करें उद्योगपतियों को और उद्योगपति आए मध्य प्रदेश में जो है उद्योग की स्थापना करें, उद्योग लगाए, पैसे इन्वेस्टमेंट करें। अभी कल जब बैठक हो जाएगी उसके बाद ये पता चलेगा कि कौन उद्योगपति कितने समय में कितने कालखंड में जो है इंडस्ट्रीजों की स्थापना करेगी या पैसे का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकाल में भी आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे मीट किया, बहुत सारे लोग जो है ऐसा नहीं कि सभी ने इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत सारे लोग किए भी थे और उद्योग जो है भलीभूत नहीं हो पाया मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी प्रयास करें, अच्छा बात है, अच्छा विषय है, कम से कम जो है मध्य प्रदेश की जनता को रोजगार तो उपलब्ध होगा, लेकिन इसको वास्तविक में करना चाहिए। एक तरफ यही कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारत में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी यदि कहीं से भी उद्योगपतियों को द्वारा जो है कार्य संचालन कराया जा रहा है, किया जा रहा है, तो उसमें कहते हैं कि आप तो प्राइवेट उद्योगपतियों को बेच रहे हो। यही मुकेश अंबानी जी धरातल पे आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, वही बिरला आ रहे हैं और वही टाटा आ रहे हैं, कोई दूसरे नहीं है। तो मेरा कहना है कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप मध्य प्रदेश में उद्योग ले आए बहुत अच्छा विषय है और यहाँ के लोगों को रोजगार दे अच्छा विषय है, केवल हवा हवाई ना करे। क्या होता है कि बहुत सारे कि 10 महीने में उन्होंने प्रयास तो किए और जिस तरह की बातें की जा रही है और पूर्व मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान उन्होंने भी मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस फैसले का स्वागत किया है और बधाई भी दी है और उनका यह भी कहना कि सरकारें तो हैं आती जाती रहेंगी लेकिन निवेश की निरंतरता जो है वो कम नहीं होना चाहिए। आपके पास लौटूंगा उमेश जी, योगेश जी से हम बात करते हैं। योगेश जी, मुख्यमंत्री कमलनाथ जो मध्य प्रदेश में उद्योग धंधे लाने की बात कर रहे हैं और जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कितना सफल होंगे? संक्षिप्त में आप अपनी बात रखिए, उसके बाद हम इंदौर में हमारे ग्रुप एडिटर हैं उनके पास जाएंगे, उस फिर आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का नारा था वक्त है बदलाव का, जी उसके अनुरूप मध्य प्रदेश में बदलाव का वक्त आ गया है, सुनहरा कल निकल कर आ रहा है, सूरज की तरह चमक कर आ रहा है। जी मैं मेरे भाई प्रवक्ता तिवारी जी से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल रुष्ट नहीं हूँ, इसलिए कि उनका अनुभव ही इस तरीके का रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने MOU पे MOU साइन करते रहे, 600 करोड़ रुपए की बर्बादी कर दी और नतीजा निकला सिफर। आज हम दूसरे तरीके से जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डाला, लेकिन एक बात यह भी है ना योगेश जी कि कई चीजें ऐसी होती हैं जहां विकास की बात हो, तरक्की की बात हो, तो वहां पे जो है हर राजनीति के चश्मे से चीजों को नहीं देखना चाहिए। और शिवराज सिंह चौहान ने भी खुद आगे बढ़कर स्वागत किया है मुख्यमंत्री की पहल का। योगी जी आपकी बात नहीं, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए आप प्लीज। देखिए पहली बात तो है कि हमें शिवराज सिंह जी ने सिखाया है, वो इस बात को सिखा दिया है कि आप जो भी कार्य करें उसको यथार्थ के धरातल पर करें। आज मैं तिवारी जी को नॉलेज में डाल देना चाहता हूं कि 850 करोड़ का कल इंडस्ट्रीज का लोकार्पण हो रहा है, मतलब कल से वो प्रारंभ हो रही है, वहां से रोजगार शुरू हो रहे हैं, 5,000 करोड़ का विदेशी निवेश सुरक्षित किया जा चुका है और हमने अब की कोई भीड़ नहीं बवाई है, हमने यथार्थ के धरातल पर 1500 चुनिंदा देश के उद्योगपति को आमंत्रित किया था, उसमें से 900 की स्वीकृति प्राप्त हुई। यस और नो पर चले, हम राजनीतिक पूर्वाग्रह से नहीं चले, हम तमाशे से नहीं चले और उसमें जिन्होंने स्वीकृति प्रदान की उनको सिलेक्टिव लोगों को। योगी जी बिल्कुल आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान जी, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि सिर्फ जो बातें की हैं सरकार ने, कई रियायतें दी हैं उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए, निवेश आए उसके लिए कई नीतियों में बदलाव किया, साथ ही और भी कई जो हैं फैसले लिए गए हैं जो खासतौर से रियल एस्टेट में, खनिज के मामले में, जो खनन का मामला उसमें भी कई चीज़ें उन्होंने इतने नवाचार किए हैं ताकि ज़्यादा निवेश आए, ज़्यादा रोजगार मिले, तो इसका कितना असर वहाँ इंदौर में देखने को मिल रहा है? तौर पर चीजों को करना चाहते हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सीधे संपर्क में है, जैसे नियम बदलने पड़ेंगे वो तत्काल करेंगे, वो जो सिंगल विंडो सिस्टम की बात होती थी अब वो मूर्त रूप में होगा,
एक एक नोडल अफसर बना दिया जाएगा, तो ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं जिससे ये एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि सरकार बहुत गंभीर है इस विषय पर। अगर मैं यहां का भी जिक्र करूं तो यहां मीडिया से मुख्यमंत्री का उतना संवाद नहीं हुआ उस तरह से, पीछे बहुत संवाद होते रहे। अगर हम पीछे की बात करें, मीडिया कवरेज में शायद सरकार का बहुत इंटरेस्ट नहीं है, उनका काम करने का अपना अलग तरीका है। यहां भी वही देखने मिला, आज भी वही देखने मिला, उन्होंने बहुत मीडिया से संवाद नहीं किया, कुछ स्थानों पर मीडिया पहुंची भी नहीं, मतलब बुलाया ही नहीं किया, उसे वहां अवसर भी नहीं मिला। लेकिन लगता यह है कि सरकार इस बार कुछ बड़ा करने का इरादा रखती है, कुछ बड़ी चीजें देखने को भी मिलेंगी। एक बाकायदा जो बड़ी बड़ी जो सूचियां हैं जिसका अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं, जी जी, तो यही उम्मीद की जानी चाहिए मंदी के इस दौर में। अगर मध्य प्रदेश में मैग्निफिसेंट एमपी हो जाता है जी, तो एक बेहतर माहौल बनेगा, जैसा सरकार का दावा है तकरीबन 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जितना इन्वेस्टमेंट का अभी तक सुनिश्चित हो चुका है जी। तो अब यही उम्मीद की जाती है कि जो सुबह होने वाली है जी, वो प्रदेश के लिए एक नया इतिहास। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जो सुबह होने वाली है वो मध्य प्रदेश के इतिहास में को जो है बदल भी सकती है बहुत अच्छा। कुछ जिस तरह का बताया जा रहा है, यदि वैसा होता है तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा, इसके विकास के लिए अच्छा होगा, इसके भविष्य के लिए अच्छा होगा। चंदनलाल चंदानी जी हैं, व्यवसायी हैं, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत चंदनलाल जी। क्या लगता है आपको, जो सरकार ने जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की है उद्योग धंधे लगाने के लिए, मध्य प्रदेश में जो रियायतें सरकार उद्योगपतियों को दे रही है, जो सहूलियतें दे रही है, क्या लगता है आपको? रियल एस्टेट में भी उन्होंने कई नए ऐसी चीजें की हैं जो राहत देने का काम करती है, उसको जो मंदी के दौर से निकालने के लिए रियल एस्टेट को जो उन्होंने उपाय किए हैं या जिस कर जो चीजें की हैं वो भी एक नया जो है एक सौगात देने की कोशिश की। आपको क्या लगता है व्यापार को मंदी से उबारने के लिए मध्य प्रदेश को खासतौर से जो किया गया है वो कितना कारगर होगा, और किस नजरिए से देखते हैं आप इस पूरे मैग्निफिसेंट एमपी को? सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त सरकार जो नई आई जी, उन्होंने उबारने के लिए, मंदी को दूर करने के लिए सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन के रेट थे जी, उनको 20% जो कम किया जी, यह सबसे बड़ा कदम था जी। हमेशा बढ़ते हैं या बराबर रखते हैं, 20% कम करना हिम्मत का काम था जो इस गवर्नमेंट ने किया। इसके लिए वो हमेशा बिल्कुल अच्छा काम करने के लिए तैयार रहते हैं जी। और जो ये इंडस्ट्रीज का लिया है जी, इंडस्ट्रीज में जो फैसिलिटीज दे रहे हैं या सब चीजें कर रहे हैं जी, इन सबसे पहले जी जो इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में जी बंद हो रही हैं जी, उसका ख्याल पहले रखना चाहिए था जी। आज भोपाल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री 4 साल से बंद पड़ी है जी, जिसको GI इंडस्ट्रीज बोलते हैं जी, उसका 200 करोड़ का लोन था जी, उसको किसी भी तरीके से एडजस्ट करवा के करवाना था जी, क्योंकि जो चलती हुई इंडस्ट्री है जी, उसके जो मजदूर थे जी, वो बाहर निकल जाते हैं जी, वो भी बहुत जरूरी काम है जी। नई इंडस्ट्री लाना तो है ही जी, अब सीमेंट की है जो नई इंडस्ट्री आ रही है, ज्यादातर सीमेंट की या दवाइयों की आ रही है जी। डेफिनेटली लेबर को काम तो मिलेगा जी, अच्छा काम है, लेकिन इसके साथ पुरानी इंडस्ट्रीज को भी करना जो है, अगर वो किया जाता है तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा काम होगा। वो उबारेंगे तो अभी जितना काम करें उसका डबल काम हो जाएगा जी। क्या कहेंगे योगी जी? बिल्कुल सही कहा उन्होंने चंद्रलाल जी ने कि यदि नई जो आ रही हैं कंपनियां वो तो आए, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका, लेकिन जो पुरानी कंपनियां बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर जो हैं बेरोजगार हो रहे हैं, इस ओर भी यदि सरकार ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। साथ साथ ये भी किया जाना चाहिए सरकार। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये बात का पहले ही संज्ञान में है मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को। हमने क्या कहा कि हमने उन विसंगतियों की तरफ पहले देखा कि पिछले वाली पूर्ववर्ती सरकार किन कारणों से औद्योगिक स्थापित करने में फेल रही मध्य प्रदेश में। उसका प्रथम कारण ये था, चाहे मंडीदीप का इलाका हो, चाहे ड्रेडाइट जिसको कहते हैं इलाका पीतमपुर का हो, वहां पर कुछ इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पर थी जैसा आपने अभी कहा, और उन इंडस्ट्रीज को उबारने के लिए प्रयास नहीं किए गए, नए MOU पर साइन करते गए।
70% रोजगार स्थानीय व्यक्तियों को दिए जाने के पीछे हमारा यही उसके पीछे परिलक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का यदि श्रमिक है, मध्य प्रदेश का कामगार है, तो उसको पहले रोजगार प्राप्त हो, और जो डायलिसिस पहुंच गई है पुरानी फैक्ट्रीज तो उनके साथ की क्या परेशानी थी, तो मूल 4-5 परेशानियां सामने आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, हमारा जो डेवलपमेंट था कनेक्टिविटी नहीं थी, हमें कनेक्टिविटी नहीं मिली, पानी की सुविधाएं नहीं मिली, बिजली की सुविधाएं नहीं मिली, तो हम उसके साथ ही साथ इन नए जितने भी हमारे साथ हो रहे हैं, हम इसको MOU नहीं कहेंगे, हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंटेशन जो कहेंगे वही कर रहे हैं, तो पुरानी इंडस्ट्रीज को भी ध्यान में रखा जा रहा है, और उन्हीं आधार पर, उन्हीं बिना पर 31,000 करोड़ का 2019 के 19 अक्टूबर तक सिग्नेचर हो जाएंगे, 31,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हमारा लक्ष्य यही नहीं ठहरता है, हम 72,000 करोड़ तक पहुंचेंगे, और बात यह आती है कि जैसे कहा गया कि भाई बड़े घराने आ रहे हैं, या मेरे तिवारी जी ने अभी कहा था कि हम उन घरानों को बुला रहे हैं कि जिनसे प्राइवेटाइजेशन का, तो हम निजीकरण, इसको निजीकरण नहीं कहेंगे कि हम अपना देश नहीं बेच रहे, हम हमारा मध्य प्रदेश नहीं बेच रहे, देश बेचने का काम आप लोगों के पास है। देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, किसी उद्योगपति को तो शुद्ध रूप मेरी बात करने लीजिए, शुद्ध रूप से हमने व्यावसायिक आधार पर बुलवाया, चाहे गोदरेज हो, चाहे हमारे किर्लोस्कर हो, चाहे हमारे जितने भी बड़े व्यापारी हो सीमेंट्स के हो, उनको बुलाने का मूल कारण यह है कि हमारा कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं है, हमारा कोई पिछले का वो नहीं है, हमारा यह है कि मध्य प्रदेश का विकास हो, विकास हो, यहाँ के व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो, यहाँ का रेवेन्यू जनरेट हो, जिस तरीके से मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है आपने सही कहा कि रेवेन्यू जनरेट हो, हमारा प्रदेश तरक्की करे, और जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसको देखते हुए तो लगता है कि गंभीर है योगेश जी। और लेकिन क्या अब मैं उमेश तिवारी जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वजह रही 15 साल बीजेपी की सरकार रही, और कई इन्वेस्टर्स समिट हुई और बेंगलोर में भी हुई, कई बार जो है रिलायंस समूह के मुखियाओं से मुलाकात हुई, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़े बड़े आयोजन हुए, लाखों करोड़ों रुपए जो है इन आयोजनों पर खर्च हुआ, तो क्या वजह है कि उद्योग धंधे लगने की बजाय बंद ज्यादा हुए, नहीं आ पाया निवेश, क्या वजह रही, क्या खामी मानते हैं आप? देखिए उद्योगपति इंदौर आ रहे हैं, उनका हम विपक्ष होने के नाते हम उनका स्वागत करें, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी स्वागत किए, स्वागत योग्य विषय है, मध्य प्रदेश के 7.25 करोड़ जनता को सुविधाएं मिले, उनको व्यवसाय मिले, ये अच्छा पहल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों में जो मूलभूत स्ट्रक्चर था, जैसे आपके रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी, हमने हर जिले को जोड़ने का काम किया, आज मध्य प्रदेश के 52 जिला आपस में जुड़े हुए हैं जी, रोड कनेक्टिविटी की बात कर दी आपने, लेकिन उद्योग धंधे जो है वो लगे नहीं, खत्म हो गए, जैसा अभी चंदनलाल जी ने बताया कि कई कंपनियां बंद हुई, तो ये आज तो बंद हुई नहीं है। देखिए अभी तो कह दिए स्वाभाविक, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो हमारे साथ बैठे हो तो कह दिए कि 31,000 करोड़ रुपए कल हो जाएगा। देखो 31,000 करोड़ नहीं हो जाएगा कल ही, इस तरह के दावे तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी किए थे, जिस वक्त जब इन्वेस्टर समिट होती थी उसके बाद जो उनका एक वक्तव्य आता था तो यही कहा जाता था कि इतने लाख करोड़ का, इतने हजार करोड़ का निवेश जो है मध्य प्रदेश में गया है, आ रहा है, मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदल जाएगी। वही मैं बात बता रहा हूँ, आज कमलनाथ सरकार भी यही कह रही है कि हम जो है 31,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। अब कौन सा उद्योगपति किस क्रम में किस चीज की फैक्ट्री डाल रहा है, कितने समय में तैयार होगा, आज रोजगार नहीं आप उपलब्ध करा दे, बिल्कुल सही, एक महीना दो महीना चार महीने में आप नहीं दे रहे, लगभग 2 से 2.5 साल धरातल पे लगता है, उसके बाद आपका रोजगार के विषय आती है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या केवल एक इंदौर पुर में होगा, बाकी जो है 50-51 जिले कहां जाएंगे? मेरा यह कहना है कि जो मूलभूत स्ट्रक्चर जो है हमने तैयार किया, भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों में तैयार की, यहां पे बिजली की कनेक्टिविटी हो, बिजली 24 आवर्स, आप ये देखो कि 10 माह के शासनकाल में बिजली की व्यवस्था बिल्कुल चौपट कर दी है। उसके बाद जो है आपने केवल 10 माह केवल उद्योग ट्रांसफर उद्योग चलाए हो, अब जाके 10 महीने के बाद उद्योगपतियों को बुलाए हो कि अब जो है यहाँ पे उद्योग के लिए विचार किया जाए, आप कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करो जनता के। हमको खुशी होगी मध्य प्रदेश की 7.25 करोड़ जनता को सुविधाएं मिले, ये अच्छा पहल है, लेकिन कब तक मिले कृपया कल ये भी बताना चाहिए कि हाँ 2 साल में धरातल पे दिख जाएगा, 3 साल में दिख जाएगा। अब रही बात में पुरानी जो इंडस्ट्रीज बंद है उनके तमाम कारणों पे मैं जाऊंगा कि जो कंपनियां बंद है
क्या क्या उद्योगों को जो पुराने उद्योग है क्या उनको पुनः संचालन नहीं किया जा सकता है, क्या उनके पीछे सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे सकती मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट? ये तो अभी 10 महीने हुए हैं कांग्रेस की सरकार को आए हुए उमेश जी, और ये प्रयास उनके दिख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन 15 साल बीजेपी का शासन रहा तो क्या वजह रही कि उद्योग धंधे जो हैं खत्म होने की कगार पर आ गए? देखो धीरे धीरे 10 माह हो गया, धीरे धीरे 12 माह भी हो जाएगा, 2 साल भी हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस पे भी यानी जिस धरने पर बीजेपी की सरकार चली उसी धरने पर ये भी चलेगी, आपका ये कहना है? कहना है कि 10 माह में जो उद्योग बंद हो रही है मध्य प्रदेश, चाहे गोविंदपुरा की हो, अब मैं बता रहा हूँ, चाहे पिल्लूखेड़ू की हो, चाहे जो है मंडीदीप की हो, और जहां जहां पे हमने आईटी पार्क स्थापित किया, जहां पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आई, क्या टेक्निकल दिक्कत हो रहा है उद्योग विभाग से, थोड़ा सा इस पे भी गौर किया जाए। बिल्कुल सही। नहीं, बात अभी क्या है उमेश जी, सुझाव की होना चाहिए इस वक्त, ऐसे सुझाव दिए जाना चाहिए पूर्व में जो पुराने जो तजुर्बे रहे हैं उनको देखते हुए, ऐसी बातें होना चाहिए कि वो गलतियां ना हो इस सरकार से, और जो है एक सही दिशा में सरकार के कदम आगे बढ़े। बिल्कुल आपसे, आपके पास लौटूंगा। रिजवान जी के पास हम चलते हैं सीधे इंदौर। रिजवान जी, जिस तरह की बातें हो रही हैं और आरोप प्रत्यारोप यहां भी लग रहे हैं, बात जो है एक जब कहीं अच्छी पहल होती है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात की जाना चाहिए, हो भी रही है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रयास है, और एक मुख्यमंत्री कमलनाथ है, उद्योग व्यापार सब जगत को बेहतर ढंग से करते हैं जी, और वो जिस तरह से समझते हैं इसको, और उनके संबंध भी बहुत, देश या विदेश में भी उनके बहुत संबंध है जी, और उस संबंध का इस समिट में बेनिफिट मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, ये सभी उम्मीद है जी। और बहुत बड़े बड़े उद्योग घराने जी इसके प्रति आकर्षित हुए हैं, उनका लगातार संवाद चल रहा है जी, और जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने उसी दिन से उन्होंने वो प्रयास शुरू कर दिए थे। ये प्रयास इन्वेस्टर समिट के जैसे नहीं है, ये प्रयास कुछ अलग तरह से दिखते हैं, ये प्रयास रिजवान जी इस तरह से दिखते हैं। एक सवाल इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा आपसे, मैं जैसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं वो खुद भी एक उद्योगपति हैं, तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ रहे होंगे, इस दिशा में कदम जो उठा रहे हैं उनके उद्योगपति है, इन्वेस्ट वो भी कर, उनकी कंपनी भी करती रही है इस तरह की चीजों में, वो उद्योगपति हैं, उसका कितना लाभ उनको उनके अनुभव का मिलेगा, देश ही नहीं पूरी दुनिया में वो भारत को इस तरह व्यापार और उद्योग को रिप्रेजेंट करते हैं, उद्योग मंत्री रह चुके हैं, उनके बहुत संबंध है केंद्र सरकार में, बहुत मजबूत और ताकतवर मंत्री रहे हैं जी। तो कमलनाथ एक ऐसे नेता है जो व्यापारी भी है, उद्योगपति भी है, और बड़े नेता भी है, बहुत अनुभवी नेता भी है, तो जाहिर है मध्य प्रदेश को इसका फायदा मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने इसको समझा है, उनकी प्रतिक्रिया जो है जी वो भी इसी बात से है जी, कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो वो एक अच्छा माहौल बने, उन्होंने बात। हाँ, पीछे 3-4-5 दिनों तक सियासत बहुत सरगर्म थी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा देंगे, दिवाली के बाद गिरा देंगे, ये शपथ लेंगे जी, इस तरह की चीजें होती रही जी, लेकिन लगता है सबका ध्यान अब यही होना चाहिए, क्या बेहतर है, क्या होने वाला है, ये बेहतर से बेहतर हो इसकी उम्मीद की जाती है, और लगता भी है जी कि बेहतर होगा, बेहतर ढंग से होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जैसा अभी कर रहे थे उमेश तिवारी जी, वो भी एक बहुत जरूरी चीज है जी, अति वर्षा के कारण मध्य प्रदेश में सड़कें खराब हुई जी, और अभी वो जिक्र कर रहे थे बिजली नहीं है मध्य प्रदेश में, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता जी, ये एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है, मध्य प्रदेश में बिजली पर्याप्त जी, और इन्वेस्टर्स को ये मैसेज भी जाना चाहिए जी कि मध्य प्रदेश में बिजली या इस तरह की चीजों की कोई कमी नहीं है जी, और इन्फ्रा के मामले में सरकारें अभी बढ़ते नहीं है, कई जगह बहुत घटे हो गए, उस पर सरकार को गंभीरता से काम करना जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आखिरी, क्योंकि समय हमारा समाप्त हो रहा है, आखिरी टिप्पणी मैं चंदनलाल जी से लेना चाहूंगा, ये पूरा जो आयोजन है, पूरे सरकार की कोशिशें हैं, इसका जो निचोड़ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्यापार जगत को कितना इससे फायदा मिलेगा, मुख्यमंत्री के और सरकार के जो प्रयास हैं वो कितने सार्थक होते हैं, तो मध्य प्रदेश के जो विकास में ये कितनी महती भूमिका अदा करेंगे, संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा मैं आपकी। मुख्यमंत्री के जो प्रयास हैं बहुत ही अच्छे हैं जी, और जिस तरीके से 10 माह में जो किया है जी, कोई और नहीं कर सकता, ये मैं स्पष्ट बोल दूं जी। वो इसलिए जैसे आपने पहले भी बोला कि उनको
सिर्फ बार बार ये कि गिर रही है यही डराया जाता था जी। तो क्योंकि कमलनाथ जी खुद एक बिजनेसमैन ही नहीं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जी, इसलिए उन सब चीजों को समझते हैं जी। अभी तो उन्होंने सबको बुला लिया है जी। आगे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जितने अफसर हैं जी, उन सबको पहले ठीक करेंगे कि जितने आए पहले उनका काम सही करो जी। और लग रहा है मुझे, जैसे आपने बोला जी, तो पुरानी इंडस्ट्रीज भी अगर चालू होंगी जी, तो मध्य प्रदेश कहीं भी पीछे नहीं हो सकता है, हमेशा बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा। चलिए, हर इंसान उनका साथ देने को तैयार रहे जी, बिल्कुल। और सभी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का विकास हो, मध्य प्रदेश विकासशील राज्य से विकसित राज्य की ओर जो है अग्रसर हो, आगे बढ़े। सरकारें किसी की भी हो, लेकिन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की तरक्की के बारे में जिस तरह से सोचा जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश जी आपका बहुत शुक्रिया, चंद्रलाल जी आपका बहुत शुक्रिया, योगेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब को, आपने जो जानकारी दी, और इंदौर से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मैग्निफिसेंट समिट में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, और उसके बाद जो है पूरे देश के तमाम उद्योगपति इंदौर में वहाँ पर जमा होंगे, और मध्य प्रदेश को लेकर जो विजन मुख्यमंत्री कमलनाथ का है वो कल दिखाई देगा। देखिए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।